Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will discuss a theorem, that is, prove that line segments joining the midpoints of sides of quadrilateral taken in order form a parallelogram. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने एक quadrilateral shape consider करनी है. ठीक है, quadrilateral shape कौन सी होती है? Any four sided figure is basically quadrilateral shape. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम एक quadrilateral shape draw कर लेते हैं. ठीक है, और उस quadrilateral को हम basically इस form में consider करें, और यहाँ पे हम A, B, C, D vertices marks करते हैं. ठीक है, अब देखें, आपको ये गिवन है कि अगर आप सबके मिड पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, मतलब देखें फोर साइड्स है ना, और चारों साइड्स के आप ऐसे करें मिड पॉइंट्स ले रहे हैं. मैंने यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट्स है ना, उन मिड पॉइंट्स को मैंने रेड से मार्क कर दिया है. ठीक है, और मिड पॉइंट लेने के बाद कोई एक डिफरेंट कलर लेते हैं जिससे हम प्रॉपर मार्क कर लेते हैं. तो यहाँ पे येलो कलर से मार्क कर लेते हैं, जरा बेस्ट रहेगा. येलो कलर से आप ऐसे करें कि प्रॉपर लाइंस ड्रॉ कर लें, मतलब जो मिड पॉइंट्स है ना उनको आपस में ज्वाइन कर लें. ठीक है, हमने प्रूव ये करना है कि ये जो हमने बेसिकली येलो कलर में अंदर फिगर ड्रॉ की है, ठीक है, येलो कलर में जो फिगर आ रही है ना उसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है. ठीक है, हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप लेते हैं उसमें मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से शेप आती है वो हमेशा पैरेललोग्राम ही कहलाएगी. ठीक है, तो अब हमने इसी थ्योरम की स्टेटमेंट को अगर प्रूव करना है ना, तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं, यहाँ पे गिवन कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, अब गिवन क्या है? आपको ये गिवन है कि आपने क्वाड्रिलेटरल शेप ली है. ठीक है, मतलब ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ पे ये गिवन है कि इस शेप में एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी. ठीक है, मींस ए डी जो लाइन सेगमेंट है ना इसका मिड पॉइंट है. ठीक है, सिमिलरली जितने भी मिड पॉइंट्स हैं उनको हम मार्क कर देते हैं, जैसे पी is midpoint of AB. Next, Q is midpoint of BC. ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिकली जितने भी पॉइंट थे हमने उनको मार्क कर लिया एक्सेप्ट R. तो लास्ट पे हम R के लिए भी लिख देते हैं कि R is basically midpoint of BC. ठीक है, ये तो था गिवन. अब हमने देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है. प्रूव हमें ये करना है कि ये जो शेप आपने ड्रॉ की है इट फॉर्म्स पैरेललोग्राम. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, टू प्रूव मैं लिख लेते हैं कि जो आपने येलो कलर में शेप कंसिडर की है, तो इसके पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम शेप है ना, अगर हमने इसको प्रूव करना है, तो इट मींस जो ऑपोजिट साइड्स आ रही हैं वो पैरेलल भी होनी चाहिए और कॉन्ग्रेंट भी होनी चाहिए. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन हमेशा एक ऐसा स्टेप होता है जो हमने खुद से कंसिडर करना होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ए को सी से. ठीक है, अब देखिए ज्वाइन ए टू सी, हमें बेसिकली ए को सी से ज्वाइन करके बेनिफिट क्या होगा. ठीक है, इसको हम डिफरेंट कलर से ही मार्क करते हैं. मैं कंस्ट्रक्शन को जरा ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ. ठीक है, कि ए को सी से आपने ज्वाइन कर दिया. जब देखिए ए को सी से ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो बेसिकली यू आर ड्राइंग डायगोनल हेयर. ठीक है, अब आपको आइडिया होगा, जब हम थ्योरम को प्रूव करते हैं तो उसके प्रूफ में प्रॉपर एक साइड पे हम रीजंस और एक साइड पे हम हमेशा स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम प्रोसीजर यूज करते हैं, एक साइड पे स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं और दूसरी साइड पे आप रीजंस लिख लें. ठीक है, अच्छा देखिए, इन स्टेटमेंट और रीजंस में सबसे पहला काम ये करें आप कि ये जो आपने डायगोनल ड्रॉ किया है, ठीक है, डायगोनल मींस ये जो ब्लू कलर में हमने लाइन यहाँ पे शो की है, उस डायगोनल से जरा आप देखें कि डी ए सी फुल एक शेप है. ठीक है, मतलब आप क्या करें, ट्राइंगल डी ए सी को जरा कंसिडर कर लें. ठीक है, आपको याद होगा प्रीवियस जो हमने फर्स्ट
पैरेललोग्राम से रिलेटेड थ्योरम अभी डिस्कस किया है, उसमें थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि जब कोई से दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो साइड हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ए सी एक साइड है जो हम ये ले रहे हैं। ठीक है, जरा मैं इस फिगर को थोड़ा नीट करके बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये देखिए डी ए सी को मैंने ड्रॉ किया है, S और R ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि S, R, Q, P ये मिड पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के। ठीक है, इसका मतलब है कि S, R हाफ ऑफ AC भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिखें कि S, R इज बेसिकली पैरेलल टू AC, और फिर आप यहाँ S, R को देखें तो वो हाफ ऑफ AC के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे करें कि इस रिजल्ट को ना प्रॉपर वन मार्क कर दें। ठीक है, रेफरेंस दे देते हैं। अब आप ऐसा करें कि B पॉइंट के साथ ना इसी AC को कंसिडर करें, तो BAC एक शेप आ रही है, मींस ट्रायंगल आ रही है। अगेन Q एंड P पॉइंट्स आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप रेफरेंस दे दें, S एंड R आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट्स थे ना तो बेसिकली हमने वो थ्योरम यूज किया है, एनी व्हेन वी जॉइन mid points of two sides of triangle, then the line segment which is obtained by joining the mid points of those triangles will be half of third side and is parallel to third side. ठीक है, मतलब यहाँ पे उस reason के according आपने ये सारी mathematical दोनों conditions लिखी हैं। ठीक है, अब आप BAC में भी देखें ना, तो PQ is basically parallel to AC, ठीक है, ये तो पैरेलल है AC के। ठीक है, और दूसरा अगर देखा जाए तो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, और अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो अगेन उस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेसिकली हमें यहाँ से आइडिया है कि जो PQ की लेंथ आ रही है डेट विल बी हाफ ऑफ AC अगेन। ठीक है, और इसको हम ऐसा करते हैं टू मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब जरा इन दोनों पे जरा फोकस करें। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन करें फ्रॉम वन एंड टू। ठीक है, अगर वन और टू पे आप फोकस करते हैं ना, उनकी राइट हैंड साइड्स इक्वल आ रही हैं। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल आ रही हैं तो बेसिकली इनकी लेफ्ट हैंड साइड को भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दें कि एस आर बेसिकली कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू। ठीक है, मतलब एस आर और पी क्यू आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो एस आर और पी क्यू पैरेलल भी हैं, क्योंकि ये दोनों ए सी के पैरेलल हैं। अगर ये दोनों ए सी के पैरेलल हैं, मींस मैं यहाँ पे दो रिजल्ट और मार्क करने लगी हूँ। बेसिकली इसको भी आप वन कह दें और इसको आप प्रॉपर टू कह दें। ठीक है, और बेसिकली आप अगर फ्रॉम वन एंड टू ये रिजल्ट देखते हैं, वन एंड टू देख लें। ठीक है, मतलब ये मैंने काउंटिंग फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ से आपको क्लियर है कि जो एस आर है वो पैरेलल भी है पी क्यू के। ठीक है, अगर एस आर पैरेलल भी है पी क्यू के और कॉन्ग्रेंट भी है पी क्यू के, तो बेसिकली हम थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स इक्वल आती हैं, ठीक है, तो हमेशा उनमें दो साइड्स पैरेलल भी हों और कॉन्ग्रेंट भी हों तो वो शेप क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, तो मतलब ये जो दो लास्ट पे आपने रिजल्ट लिखे है ना, इससे आपको क्लियर है कि एस आर इज कॉन्ग्रेंट टू बेसिकली पी क्यू एंड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। तो इन दोनों रिजल्ट से हमें कंफर्म है कि एस आर क्यू पी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यही आपने प्रूव करना था कि जब हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप लेते हैं और उस क्वाड्रिलेटरल शेप में हम ड्रॉ करते हैं प्रॉपर मिड पॉइंट्स, तो हमेशा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो शेप आएगी वो हमेशा पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, तो मतलब इसके सामने भी अगर आप ये रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। थ्रू दिस मेथड वी हैव एक्चुअली प्रूव दिस स्टेटमेंट।